आदि गौ सुरभि देवी का उपाख्यान। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, ये सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक में कैसे आई? मैं उसके जन्म और चरित्र को सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वो गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौओं में प्रमुख है। मुने, मैं सबसे पहली सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपालंगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां वे विहार करने लगे। उस समय कौतुकवश उन स्वेच्छामय प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था, वह दुग्धवती थी। उस स्वच्छा गौ को सामने देख सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दुहा। वह दूध सुधा से भी अधिक मधुर तथा जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया, फिर हाथ से छूट कर वो पात्र गिर पड़ा और दूध धरती पर फैल गया। उस दूध से वहाँ एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100-100 योजन थी। गोलोक में वो सरोवर शीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए ये क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु प्रकट हो गईं। जितनी वे गौवें थी उतने ही बछड़े भी उस सुरभि गौ के रोम कूप से निकल आए। फिर उन गौओं के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। जो उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही गई है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। ये प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का वेदोक्त क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभ्यय नमः। सुरभि देवी का ये षडक्षर मंत्र है। 1,00,000 जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है, जो सिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौरों की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा, पूजनिया, भक्तों की अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली तथा जिनसे ये सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के खम्भे, शालग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें, जो दीप मलिका के दूसरे दिन पूर्वाह काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वो जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार वाराह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया था। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तदनंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्रदेव देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्रदेव ने कहा, देवी एवं महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। जगदम्बिके, तुम गौओं की बीज स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री राधा को प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री लक्ष्मी की अंशभूता हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण की प्रिया को नमस्कार है। गौओं की माता को बार बार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा तथा श्री धन और वृद्धि प्रदान करने वाली है। उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभधा, प्रसन्ना और गोप्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गईं। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर वे पुनः गोलोक में चली गईं। देवता भी अपने अपने स्थानों में चले गए। नारद, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वो गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा
अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है, चिरकाल तक वहाँ रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। नारद, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। नारद नारायण संवाद में पार्वती जी के पूछने पर महादेव जी के द्वारा श्री राधा के प्रादुर्भाव एवं महत्व आदि का वर्णन। नारद जी बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं। अतः भगवन, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराण वेताओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग तथा उनके ध्यान, स्तोत्र और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। अतः आप इन सब का वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्वस्वरूप, सबसे श्रेष्ठ, सिद्धों के स्वामी तथा सिद्धि दाता हैं, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रासोत्सव का सरस आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर आया, उस समय सती साध्वी पार्वती मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के समक्ष प्रश्न उपस्थित करने को उद्यत हुई। पहले तो वे डरती हुई सी स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने वह अपूर्व राधिका उपाख्यान सुनने के लिए अनुरोध करने लगी, जो पुराणों में भी परम दुर्लभ है। श्री पार्वती बोली, नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से पांच रात्र आदि सारे उत्तमोत्तम आगम, नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्धि शास्त्र, नाना प्रकार के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र तथा समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया। अब मैं श्री राधा का उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कण्व शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता सुनाइए। पहले आगम आख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था, ईश्वर की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अतः आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम महात्मय, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधन विधि तथा अभीष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। भक्त वत्सल, मैं आपकी भक्त हूँ, अतः मुझे ये सब बातें अवश्य बताइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगम आख्यान से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। पार्वती का उपयुक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचा कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी अर्धांग स्वरूपा पार्वती से इस प्रकार बोले, देवी, आगम आख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा ख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, तुम तो मेरा आधा अंग हो, अतः स्वरूपतः मुझसे भिन्न नहीं हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है।
सती शिरोमणे मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय सुखद तथा कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। दुर्गे, वह सब पूर्वा पर श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन, देवता, धर्म, देवेंद्र, मुनींद्र, सिद्धेंद्र तथा सिद्ध पुंगवों को भी उसका ज्ञान नहीं है। सुरेश्वरी, तुम मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने को उद्यत हो गई थी। अतः मैं इस गोपनीय विषय को भी तुमसे कहता हूँ। दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है। मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ। सुनो, श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक तथा दुर्लभ है।